उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13-14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद कल शुक्रवार को 26 और लोगों को जेल भेज दिया गया। वहीं इससे पहले पुलिस ने 5 आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू सरफराज, फहीम तालीम और अफजल को सीजीएम प्रतिभा चौधरी के जजेस कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया, जहां से सीजीएम ने इन आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अब तक कुल 31 लोगों को जेल भेजा गया है। वहीं आरोपियों के वकील का क्या कुछ कहना है इस पर, पहले वो सुनिए। एक बात हम आपको बता दें, ये देखिए कि अगर वीडियो, अगर रामगोपाल मिश्रा की वीडियो झंडा टांगे हुए नहीं आती तो इस क्या रुख होता इस केस का। वीडियो अभी तमाम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जो अभी सामने आने बाकी है। कुछ हमारे पास है, कुछ विवेचक के पास है। हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम विवेचक को देंगे, उस पर वो मंथन करेंगे, उसकी जांच कराएंगे, हो सकता है उससे साबित हो जाए कि हमारा क्लाइंट निर्दोष है। अभी मैं कहना चाहेंगे सबसे बड़े बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि रुखसार के हस्बैंड और उसके देवर को जो अभी एसटीएफ कथित एसटीएफ लेकर चली गई है, उसकी रिहाई बहुत महत्वपूर्ण है। भाई इतना है कि उसकी रिहाई हो जानी चाहिए। तो सुना आपने सरफराज के वकील कलीम हाशमी का ये बड़ा दावा कि अभी कई और वीडियोस भी सामने आने वाले हैं और हो सकता है जो आरोपी है उसके लिए कह रहे हैं कि मेरा जो क्लाइंट है वो बेकसूर यानी निर्दोष साबित हो जाए। इसी बीच सियासत भी जमकर हो रही है। इधर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे वो आज बहराइच पहुंचेंगे और संभावना है इस दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इधर आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगा दिया है। विभाग की तरफ से सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर मकान बनाए जाने की नोटिस चस्पा की गई है। 3 दिन में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए नोटिस लगाई गई है। नोटिस में कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कुंडासर महसी नानपारा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है और विभागीय मानक के अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर रूरल एरिया के मार्ग में मध्य बिंदु से 60 फीट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। तो आपको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आपने निर्माण जिलाधिकारी महोदय बहराइच या पूर्व विभागीय अनुमति से किया गया है तो उसकी मूल प्रति तत्काल उपलब्ध कराएं, वरना उक्त अवैध निर्माण 3 दिन के अंदर स्वयं हटा लें। वहीं आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में 13 और 14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान ये हिंसा हुई थी और उसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने 5 आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू सरफराज, तालीम व अफजल को सीजीएम प्रतिभा चौधरी के जजेस कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया, जहां से सीजीएम ने आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। वहीं हिंसा के 5वें दिन शहर में शांति वापस लौटती दिखाई पड़ी। शहर कोतवाली के मुख्य बाजार घंटाघर पर हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हर चौक चौराहे पर पुलिस की कड़ी पहरेदारी थी। शहर की सभी प्रमुख मस्जिदों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण तरह से नमाज अदा की। इस दौरान डीएम, एसपी वृंदा शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सिटी पुलिस क्षेत्र अधिकारी लगातार शहर भर में भ्रमण करते रहे। ये पूरा मामला 13 अक्टूबर की शाम का है। हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में जब विसर्जन जुलूस में मामूली कहासुनी के बाद दुर्गा प्रतिमा पर पथराव और धार्मिक झंडा उतारने से उपजे विवाद में गोली चलने से युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने गुरुवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।